शिवपुरी में पंप ऑपरेटर की लापरवाही से पानी की पाइपलाइन फटी। 50,000 की आबादी बूंद बूंद पानी को तरसी। शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 18 में स्थित सीतौले साहब की कोठी के पास बनी पानी की टंकी ही पाइपलाइन फट जाने के कारण पानी की ओवर हेड टैंक में भरा हुआ 20 लाख लीटर पानी नाली में बह गया। बताया जा रहा है कि टंकी के पानी के पाइप पंप ऑपरेटर की गलती से फटे हैं। ऑपरेटर ने 20 बाल की जगह 5 वाल खोले थे। इस कारण पानी के प्रेशर का कारण पाइपलाइन टूट गई और देखते ही देखते ओवर हेड टैंक में भरा हुआ 20 लाख लीटर पानी नाली में बह गया। जानकारी के अनुसार सीतौले साहब की कोठी के पास बनी सुविधा जलावर्धन योजना के तहत तो एक 20 लाख लीटर की क्षमता वाले ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया गया था। इस टैंक से लगभग 50,000 लोगों के प्यासे कंठों को पानी मिलता है। यह टैंक 8 वार्ड की जनता की प्यास बुझाता है। इसी भीषण गर्मी में यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। उस स्थिति में 50,000 लोगों के कंठ प्यासे रह गए। इस क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाती है यह ओवर हेड टैंक। इस टंकी से वार्ड क्रमांक 18 के तुलसी नगर कॉलोनी, राघवेंद्र नगर कॉलोनी, झांसी तिराहा, काली माता मंदिर, ITBP, वार्ड 19 की आदर्श नगर कॉलोनी, लोहारपुरा, अहिर मोहल्ला, गणेश गली, राजपुरा रोड, वार्ड 20 की तारकेश्वरी कॉलोनी, गणेश गली, गुरुद्वारा रोड, लोहारपुरा, राजपुरा रोड, नीलगढ़ चौराहा, वार्ड 21 की दीनदयाल पुरम तलैया मोहल्ला रेड लाइट एरिया, वार्ड 22 की बजरिया पुरानी सिवपुरी, वार्ड 26 की पुरानी सिवपुरी बड़ा बाजार, वार्ड 9 की महल कॉलोनी, वार्ड 10 की कृष्णपुरम कॉलोनी, झांसी तिराहा, फतेहपुर रोड, मनियर क्षेत्र तक पानी की सप्लाई की जाती है। पाइपलाइन फूटने के कारण इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। आप यहाँ पर आज कैसे आ गए अपने वार्ड छोड़कर? अब इसलिए आना पड़ा कि जो है पानी की सप्लाई जो है, जब देखो जब पानी की सप्लाई के चक्कर में आना पड़ा। इन लोगों ने बुलाया तो 8 दिन पहले मेरी सचिन से बात हुई। 8 दिन पहले भी 15 मिनट ही पानी चला। सचिन जी बोले कि मैं आपकी बार बर्बाद दूंगा, आपकी बार भी है 15-12 मिनट जो है मोटर चलिया। मुझे पूरी कॉलोनी के लोग घर पे जीने नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि लाइन पड़ गई। आए लाइन कहाँ से पड़ गई? मैं जिसे करने आया हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये मतलब लाइन फटी क्यों है, ये पता लगा आपको? ये पता लगा, ये लोग बता रहे हैं कि 5-10 लाइनें चलती हैं और 5 लाइनें आज चलवाई हैं। जिसने भी चलवाई हैं ये तो नहीं पता। 5 लाइनें चली हैं तो ओवरलोड हो गया, जो नई की नई रोड भुगतान नहीं हुआ और तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की इंजीनियरिंग की खामी तो है, तकनीकी खामी नजर आ रही है। तकनीकी और क्या, मैंने रामवीर जी को भी बोला था, चौहान को, पिछली दफे मेरे से कहा था कि मैं आपकी टंकी भरवा दूंगा। आज भी टंकी नहीं भरी। अगर 15 दिन में व्यक्ति को आधा ड्रम पानी मिलेगा, कहाँ तक चलाएंगे ये लोग पानी? और हम पार्षदों की ये स्थिति कि हम दर दर गली गली भटक रहे हैं पानी के लिए, अपनी पब्लिक के लिए। क्या कर रही है नगर पालिका और प्रशासन? पार्षदों को बिल्कुल जीने नहीं दे रही। ये स्थिति बन रही है। थैंक यू पार्षद साहब। ये क्या मामला है यहाँ के? आज बाढ़ के लोग काफी नाराज हैं, पानी उनके घरों में नहीं पहुँच रहा है। क्या वजह है आप पानी नहीं पहुँचवा पा रही है लोगों के घरों में? मेरे वार्ड में जो टंकी बनी हुई है उससे 8 वार्डों में सप्लाई जाती है। तो जब आज मेरे उसका टर्न था तो उसकी 4 वार्डों की सप्लाई का टर्न था। उसमें 21 नंबर वार्ड में सप्लाई चालू करी गई है और 3 वार्डों की रोक दी गई, जिससे क्या हुआ, प्रेशर बन गया और ज़मीन के अंदर पाइपलाइन फट गई है। तो ये किसकी वजह से ये मतलब किया गया कि अन्य वार्डों की सप्लाई बंद करके सिर्फ कुछ वार्डों में छोड़ी गई? जो 21 नंबर के पार्षद हैं उन्होंने बोला था कि नहीं, पहले मेरे वार्ड में सप्लाई चालू कर दी जाए, बाद में अन्य वार्ड में चालू करी जाए सप्लाई। और मेरे वार्ड की जनता इस तरह परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है पानी की। और इसके ऊपर जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो और मेरे वार्ड में अभी नई सड़क डली हुई है, अब उसके अंडरग्राउंड लाइन फूटी है और उसके वजह से, प्रेशर की वजह से सड़क में भी दरार आ गई है, सड़क भी चटक गई है। और अब ये बताइए कि जब रोड की खुदाई करेंगे तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अच्छा, तो आपने CMO को या इंजीनियर को किसी को तो शिकायत की होगी? ये तकनीकी चीज काम है जो आपके शिकायत है तो ऊपर तक सबको करी है, पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका सर? क्या नाम है आपका? संजय सिंह है। संजय सिंह जी, ये क्या क्या मामला है कि आपके वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं आ पा रही है, किस कारण से, क्या चीज़ है? अभी जो मामला रिसेंट में है, परसों पानी चालू हुई सप्लाई, यहाँ बीच सड़क में कहीं फूट गई होगी और पूरा पानी ओवरफ्लो होने लगा जी। तो क्या कारण है जिसकी वजह से अब आपके पानियों की क्या व्यवस्था? फिर पानी की नहीं आता, एक उम्मीद इसी से रहती है, मणिखेरा वाले से यही एक उम्मीद है हमारा। और ये भी अगर फट जाएगा, और दूसरी चीज़ है ले देकर जैसे जैसे लड़ा करके सड़क डाली गई थी,
सड़क का जो पाइप है उसकी क्वालिटी आपको मालूम है। तो कम से कम जब पानी की सप्लाई होती है तो जो भी खोलने वाले हैं कितना प्रेशर कहाँ छोड़ना है इतना तो जानकारी होनी चाहिए। अब कहीं की सप्लाई जो मुझे सुनने में आई बंद करके अचानक एक जगह सप्लाई खोल दी गई वो बर्स्ट हो गई पाइप, कहीं ना कहीं तकनीकी कारणों की कम में खामियां है। इसे कहते हैं मैनुअल फेलियर, ये कोई अचानक टेक्निकल नहीं हुआ, ये मैनुअल फेलियर है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की गलती रही है। अब मान लीजिए सड़क जैसे जैसे डली अब क्या नगर पालिका जिम्मेदारी लेगी दोबारा डालेगी सड़क? अब उसको अब पेयजल की व्यवस्था आप लोग कैसे कर रहे हैं फिर? अब अगर ये नहीं सही होगा टैंकर डलवाना पड़ेगा और क्या व्यवस्था करेगा? तो आज भी आपको मतलब पानी ओवर के टैंक के पास में रहने के बावजूद भी आपको टैंक पानी खुला ही नहीं ना, दो मिनट खुला तो हमारे यहाँ तो फूट गया, कहाँ से जाएगा जी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप लोग पानी की व्यवस्था फिर कैसे कर रहे हैं इस वक्त? कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही काम तो राजू के यहाँ से भर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है टैंकरों की भी सप्लाई सही से नहीं हो रही है, जितने आते हैं उतने में पूरे बाढ़ वासियों की कमी पूरी नहीं हो पाती है। और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट पंप अटेंडर का भी है, उसने क्यों किया? जब उसको इतना सब पता था तो उसके बावजूद भी उसने क्यों पाइप सप्लाई चालू करी है? नहीं, पाइप की क्वालिटी श्री नगर पालिका को नहीं मालूम, उसकी क्वालिटी मालूम होने के बाद भी आप पूरा प्रेशर एक ही लाइन में दे देंगे तो हाँ। कोई भी पाइप फटेगा जी, कोई पाइप फटेगा वो तो। कहीं ना कहीं नगर पालिका की तकनीकी खामी रही है इसमें। थैंक यू। मैं आपका पवन राजा। पवन जी, ये क्या मामला है? पाइपलाइन आज फिर फूट गई है और पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कब से क्या कारण से फूटी है पाइपलाइन? पानी नहीं पहुँच पा रहा था लाइनों में, कम सप्लाई चला के पानी सब जगह पहुँच जाए। तो कितने वार्डों में आपने सप्लाई चलाई थी और कितनी पर सप्लाई चलाई थी? सप्लाई चल दी एक वार्ड में सर। जी, तो आपने कितनी चलाई थी? सप्लाई बंद करके देख लीजिए अगर पानी पहुंच जाता वार्ड में तो। अच्छा, तो ये पाइपलाइन के प्रेशर के कारण फूट गई है? गर्मी की वजह से ही फूट जाती लाइन, तो चुड़ी कम खोली थी, 60 चुड़ी अगर बनना तो 20 चुड़ी खोली थी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तेज करने के चक्कर में कम क्यों पहुँच जाए लाइनों में, इसलिए वार्ड में, इसलिए पाइपलाइन इस कारण भी फूट सकती है। विजय शर्मा जी, आप वैसे तो यहाँ पर रहते हैं लेकिन आपका बाढ़ में भी यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, आप भी यहाँ पर आए हैं तो क्या कारण है? आपके बाढ़ में प्रॉपर पानी पहुँच रहा है? देखो, पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका प्रशासन का ना तो कोई विजन है ना कोई मिशन है, मैं आपको बता दूँ। उनकी जब मर्जी होती है तब टंकी भर देती है, या लोगों से कह देते भर गई, टंकी चलती है 10 मिनट टंकी चलने के बाद में लगातार जनता के फोन हमारे लोगों के पास आते हैं, हम पार्षदों के पास आते हैं, भाई ये पानी 10 मिनट आया, भाई ये पानी 15 मिनट आया, हम फोन उठा के परेशान है, शिकायतें करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती पानी के नाम पे। इस समय नगर पालिका की ये हालत है कि जनता पार्षद का खून निकालने को भी तैयार है, लेकिन पार्षद भी क्या करे, कहाँ से पानी दे? पार्षद के पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, व्यक्तिगत टैंकर पार्षदों के लिए शुरू में नगर पालिका से बोला था एक एक टैंकर की टेंडर लगा लें, वार्डों में पानी की समस्या आई, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ नगर पालिका में। अब जैसे पानी की पाइपलाइन फूट गई है यहाँ पर, 2-4 जगह फूटी है, तो कितने दिन तक आपको लगता है कि बाढ़ में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ये लाइन फूट गई है, जब तक ये जुड़ेगी नहीं कैसे पानी पहुँचेगा, प्रेशर भी नहीं पहुँचेगा। अभी मेरे खुद के बाढ़ में है ना कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में पानी नहीं पहुँच रहा, 2 साल लोग उनको कनेक्शन करवाए हुए हो गए हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिला, उनको पानी में कहाँ से दे दूँ? नगर पालिका से कहता हूँ टंकी बन रही है, लाइन जुड़ रही है, लाइन दूसरी बदल रही है, ये केवल प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया नगर पालिका का ना कोई विजन है ना कोई मिशन है, उनका उद्देश्य केवल कमीशन खोली है। नहीं, कहीं ना कहीं आप तीनों पार्षद भाजपा से हैं, अध्यक्ष भी आप ही की पार्टी की हैं, नगर पालिका आपकी है, उसके बाद इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं समझ में समस्या। देखो, सरकार किसी की हो जब तक कोई विजन या मिशन नहीं होगा ना, जब तक कोई प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। हमारे अध्यक्ष स्वयं हमारे बाढ़ में ही निवास कर रही हैं, पर हमारी बाढ़ की समस्याओं पर कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। यहाँ गंदगी की, लाइट की बहुत सारी समस्याएं हैं, आज 2 साल हो गए, एक भी काम नहीं सही ढंग से किया गया। धन्यवाद।